हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज फिर मेरे पास एक एमआई का सेट आया हुआ है, और ये एमआई का सेट एक्सीडेंटल केस है, बट ये गिरा हुआ सेट है। जैसे बोल सकते हैं कई बार एक्सीडेंट बाइक से होने की वजह से ये जो डैमेज हो जाता है, तो उस तरीके का ये सेट है। बाकी ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है, जैसा कि सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका जो डिस्प्ले ऊपर का पूरा ग्लास वगैरह या डिस्प्ले सारा टूट गया है, वी फ़ोन ऑन भी नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसको सिंपली किस तरीके से ऑन करना है, किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे, कहाँ से दिक्कत है, कैसे दिक्कत है। तो आज के इस वीडियो में आप बने रहना, किस तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रॉब्लम को चेक करते हैं। तो चलो सिंपली अभी ये सेट ऑन नहीं हो रहा, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो बैटरी है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी चार्ज कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो एक मेरे पास बैटरी है नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो बैटरी जो है 3.9 वोल्टेज जो है बैटरी चार्ज है, ये नई बैटरी है, इसे एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम फ़ोन को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन को मैं ऑन कर रहा हूँ, बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है, और आगे की जो डिस्प्ले का कंडीशन है वो आपको दिख रहा होगा, काफ़ी मतलब चूर है, डैमेज है। अभी मेरे पास एक नया डिस्प्ले भी है, देख सकते हो यहाँ पे नया डिस्प्ले भी है, इसको भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहीं हो सकता है डिस्प्ले में कोई इशू हो, या फिर डिस्प्ले में कोई चीज़ शॉर्ट हो, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम नया डिस्प्ले लगा के भी एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलो एक बार हम नया डिस्प्ले मैंने लगा दिया है, अभी एक बार लगा के इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी हम एक बार ऑन करके इसको देखते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आपने देखा, बैटरी भी मैंने नया लगा दिया और डिस्प्ले भी मैंने नया लगा दिया, बट फिर भी ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो चलो आप अपना काम स्टार्ट होता है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे, इसकी शॉर्टिंग को, कहाँ पर क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो अभी ये देख सकते हो 20 बजे पे अपने मल्टीमीटर को सेट कर देना फ्रेंड, और उसके बाद सीधा बैटरी कनेक्टर पे जिसकी जो नेगेटिव पॉजिटिव की जो लाइन होती है वो सारी चीज़ हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये नेगेटिव है और ये फॉरवर्ड रिवर्स वाइज में पॉजिटिव है, ठीक है फ्रेंड। अभी हमने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, अभी ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव है। मगर ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर जो फ़ोन है वो हाफ शॉट दिखा रहा है, फॉरवर्ड वाइज में जो फ़ोन है हमारा हाफ शॉट दिखा रहा है, और फ़ोन जो वो बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, इसको किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे। तो सिंपली पहले इसका जो मदरबोर्ड है उसको बाहर निकाल देते हैं, और इसका कैमरा वगैरह उसको भी एक बार हम बाहर निकाल देते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड आपने देख लिया, फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है, और ये जो डेड हुआ है फ्रेंड, ये एक्सीडेंट हो गया था, मतलब बाइक से गिरने की वजह से ये जो फ़ोन है वो चूर हो गया था, इसके वजह से ये सेट बंद हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो अभी एक शायद किसी के पास दिखा हुआ भी है, जैसा कि आपको इसके ऊपर का टीना वो चदरा हो सकता है, वो जो उसके ऊपर का केन वगैरह निकला हुआ है। तो एक बार हम इसकी शॉर्टिंग नेटवर्क सेक्शन में चेक करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, मतलब जैसे दोनों साइड बीप आनी चाहिए फुल शॉर्टिंग जैसा, तो यहाँ पे कोई भी जो है शॉर्ट नहीं दिखा रहा फ्रेंड, ठीक है। तो चलो एक एक करके कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में अपना बताते हैं कि पहले आप कैपेसिटर को चेक कर लो। फ़ोन जो है वो हाफ शॉर्ट दिखा रहा है अभी, जैसा कि अभी भी आप देख ही सकते हो फ़ोन हाफ शॉट दिखा रहा है। तो एक एक करके जो है फ्रेंड हम सारे कैपेसिटरों को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर को चेक करते हैं, ये ठीक है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक साइड बीप आ रही है और एक साइड इधर देख सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हो इधर भी बीप आ रही है, मतलब ये जो कैपेसिटर है इसमें दोनों साइड बीप आ रही है। चलो एक कैपेसिटर तो आपको फुल शॉट मिल गया है, अभी दूसरे कैपेसिटर पर चेक करते हैं। तो इधर रीडिंग आ रही है, इधर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है, वो भी शॉर्ट दिखा रहा है। इसके आगे वाले कैपेसिटर को हम चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर भी ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी एक कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हो दोनों साइड में, यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या जो है शॉर्ट है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी तक 3 कैपेसिटर फ्रेंड शॉर्ट दिखा है, अब यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है फ्रेंड, देख सकते हो ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये भी दोनों साइड से बीप आ रही है, इसमें भी, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से सारे कैपेसिटरों को चेक कर लेना, जैसे कि फ़ोन हाफ शॉट है और मोबाइल जो है वो ऑन नहीं हो पा रहा है, और कैपेसिटर जो है काफ़ी सारा शॉर्ट दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे सिंपली आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारा कैपेसिटर जो वो शॉर्ट दिखा रहा है, मोबाइल फुल शॉट नहीं दिखा रहा, बट आगे की जो आउटपुट लाइन है वो हमारी शॉर्ट आ रही है। यहाँ पर हमारा जो है पावर आईसी लगा हुआ है, इसके बगल में कैपेसिटर, इसको चेक करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी जो कैपेसिटर है वो भी पूरा जो है पूरा शॉर्ट आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये भी कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है।
तो फ्रेंड अभी हम रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। वैसे ये मीडियाटेक प्रोसेसर है, इसमें बैटरी कनेक्टर पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है, और फुल जो मोबाइल जो हमारा वो फुल शॉर्टिंग जैसा दिखा रहा है, आगे की जो भी लाइन है कैपेसिटर वो पूरा फुल शॉर्ट दिखा रहा है। तो एक बार यहाँ पर हम रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे कन्फर्म कौन चीज़ शॉर्ट है। तो यहाँ पर मैं अपनी डी सी मशीन सिंपली आपको दिखा देते हैं। तो डी सी मशीन का जो वोल्टेज और एम्पेयर है, यहाँ पर मैंने 4 वोल्ट एम्पेयर स्टार्ट किया हुआ है, देख सकते हो ऊपर में 4 वोल्ट, नीचे 5 एम्पेयर, और इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट जो है दे दिया है। ये हमारा माइक्रोस्कोप है फ्रेंड, नया, अभी इस पे इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा नहीं है माइक्रोस्कोप में, तो मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो चलो अभी हम फ्रेंड इसको हम देखेंगे, इसकी शॉर्टिंग को देखेंगे कहाँ पे ये शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्ट जो है दिखा रहा है फ़ोन। तो चलो इसकी जो ग्राउंड है उसको एक बार हम सोल्डिंग कर देते हैं, इसकी जो ग्राउंड की जो हमारा जो मल्टीमीटर का ग्राउंड लाइन है इसको हम कहीं पे दूसरी जगह कहीं पे सोल्ड कर देते हैं, और हमारे जो पॉजिटिव वाला है डीसी मशीन का उसको जहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है वहाँ पे हम एक बार जो है चेक करेंगे। तो पहले जो ये ग्राउंड वाला है इसको हम यहाँ पे साइड में सोल्डिंग कर देते हैं डीसी मशीन का एक पॉइंट, और दूसरे वाले पॉइंट को जो है हम चेक करेंगे। दूसरे वाले पॉइंट यहाँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो अभी फ्रेंड हम जो क्या करेंगे यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट को जो है टच करके देखेंगे। तो फ्रेंड चिमटे में मैंने जो है फ्रेंड ये जो ट्यूज़र है इसमें मैंने जो है वो वायर को मतलब टच कर दिया। अभी यहाँ पे हम टच करके देखते हैं एक बार, तो इधर हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी कुछ नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से हम टच करते हैं, आगे साइड में भी कहीं पर भी कुछ नहीं है, एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा टच करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड इस साइड देख सकते हो पावर है, इसमें हल्का सा मतलब दिख रहा होगा हल्का आपको, एक बार थोड़ा देर टच करके रखते हैं इसको, थोड़ा सा टच करके हम एक बार, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, देख सकते हो अभी बिल्कुल ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ से बैक साइड से टच करके देखते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ हमको लग रहा पावर है इसकी प्रॉब्लम फ्रेंड। हाँ तो यहाँ पे हम एक बार टच करते हैं, तो फ्रेंड वहाँ पे मैंने टच किया, और फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो इसकी जो पावर आईसी है वो जो है मेल्ट हो गया, मतलब देख सकते हो पावर आईसी जो मतलब पूरी तरीके से मेल्ट हो गया। तो एक बार हम फिर से आप लोगों के सामने जो है एक बार लगा के इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोजिन पेस्ट फिर से इस्तेमाल कर लेता हूँ, और एक बार फिर से आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड, क्योंकि अभी आपको साफ दिखा नहीं। वैसे आपको ये चीज़ तो दिख गया होगा कि इसकी जो पावर आईसी है उसमें शॉर्टिंग है, क्योंकि पावर आईसी जो है इसकी मेल्ट हो गई है। एक बार यहाँ पर इसको हम लगाते हैं और आपको लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर हम टच करते हैं अभी वायर को, हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पर जो है हमारी जो पावर आईसी है वो मेल्ट हो गई है फ्रेंड। अभी मतलब पावर आईसी में इसकी प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग हमारी फ़ोन हाफ शॉर्टिंग जैसी दिख रही है, इसके अंदर पावर आईसी में फ़िलहाल प्रॉब्लम है। तो पहले फ्रेंड इसकी जो पावर आईसी है उसको सिंपली एक बार हम निकालेंगे, और आगे साइड में कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, जैसे कि देख सकते हो आगे में कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हुआ अभी फ़िलहाल। तो चलो फटाफट क्या करते हैं, इसकी जो पावर आईसी सिंपली उसको एक बार हम निकाल देते हैं, और निकालने के बाद देखते हैं फ़ोन के अंदर की शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। उसके बाद दूसरी पावर आईसी को भी डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद देखेंगे फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो चलो पहले इसकी ये जो पावर आईसी है सिंपली इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आती है या वीडियो में कुछ भी समझ में आपको आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा वीडियो रहा, क्या दिक्कत था वीडियो में। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आईसी का नंबर है 6357CRV करके नंबर है, MT6357CRV करके इसका नंबर है, आईसी का नंबर है फ्रेंड, ये मीडियाटेक पावर आईसी है। और फ्रेंड इसकी जो पावर आईसी है शायद डैमेज है, टूटा हुआ डैमेज है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा ब्लड हो रहा है। तो फ्रेंड इसकी जो पावर आईसी है ना वो मतलब गिरने के वजह से, एक्सीडेंटल होने के वजह से फ्रेंड इसे टूट गया है, देख सकते हो फ्रेंड ये टूटने के वजह से शॉर्ट आ रहा था फ़ोन, देख सकते हो यहाँ पे ये टूटा हुआ है जो नज़र आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलो तो फटाफट इसकी जो बॉल है उसको हम साफ़ कर देते हैं, और साफ़ करने के बाद एक बार इसकी जो शॉर्टिंग है उसको भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो इसकी जो बॉलें हैं उसको हम फटाफट साफ़ जो है कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसकी जो बॉल है उसको कंप्लीट एक बार साफ़ कर दिया है, और एक बार फ्रेंड इसकी जी हम शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं। शॉर्ट जो हाफ शॉर्ट दिखा रहा था फ़ोन, अभी ये शॉर्ट हटा या नहीं हटा इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो देख सकते हो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही थी, बीप आ रही थी शॉर्टिंग की, वो तो फिलहाल यहाँ से हट गई है। एक बार इसकी रिवर्स वाइज में हम ये फॉरवर्ड में दोनों में चेक कर लेते हैं इसकी शॉर्टिंग। तो फ्रेंड देख सकते हो फ़ोन अभी भी हाफ शॉर्ट जैसा दिखा रहा है बैटरी कनेक्टर पर, फॉरवर्ड वाइज में देख सकते हो फ़ोन अभी भी हाफ शॉर्टिंग जैसा दिखा रहा है MOI। तो यहाँ पर तो थोड़ा पेस्ट लग गया था इसके वजह से, ऐसा यहाँ पर जो शॉर्टिंग आ रहा था नेगेटिव पॉजिटिव वो अभी हट चुका है, दोनों साइड बीप आ रही थी,
तो देख सकते हो इधर भी यहाँ पर से जो बीप आ रही थी, वो जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी बीप दोनों तरफ से शॉर्ट आ रहा था, वो फिलहाल यहाँ से हट चुका है फ्रेंड, ठीक है। और फ़ोन में अभी भी हाफ शॉर्टिंग है। तो ऐसा करते हैं फ्रेंड, अभी एक बार इसकी जो पावर है इसे उसको हम लगा देते हैं, पहले देखते हैं मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले शॉर्ट दिखा रहा है तो कैपेसिटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा। तो एक बार इसके अंदर मेरे पास दूसरी आईसी है, इस पर हम दूसरी आईसी इसके अंदर लगा के एक बार इसको देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो एक बार इसकी दूसरी पावर आईसी इसके अंदर हम लगा देते हैं फ्रेंड। मैं जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रही होगी, सर रोड साइड में है तो आपको आवाज़ जो है ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा गाड़ी वगैरह की, तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा माफ़ कर देना, आवाज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो अभी इस साइड हम चेक कर लेते हैं, आईसी मैंने लगा दिया, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा मोबाइल, और फ़ोन जो है हाफ शॉर्ट दिखा रहा था, आईसी निकालने के बाद भी हाफ शॉर्ट दिखा रहा है, तो लगाने के बाद भी हाफ शॉर्ट दिखाता ही होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो चलो अभी हम एक बार क्या करते हैं फ्रेंड, इसको ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन अभी होता है या नहीं होता है। तो चलो एक बार इसको हम फिट कर लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड अगर ये हाफ शॉर्टिंग अभी भी फ़िलहाल है मोबाइल, ठीक है, तो इस पर हम एक और दूसरी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें आपको हम बताएंगे कि हाफ शॉर्टिंग इसमें कहाँ से थी और कैसे मैंने इसको निकाला। फिलहाल अभी देखते हैं ये फ़ोन ऑन होता है नहीं होता है, ठीक है। अगर ऑन हो जाएगा फ़ोन ये फ्रेंड, तो हम इसकी हाफ शॉर्टिंग भी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपके लिए। तो एक बार इसको ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो बैटरी यहाँ पर हम लगा देते हैं और एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो फिलहाल सिंपली यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो फ़ोन बिल्कुल डेड था, फिलहाल अभी यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसके डिस्प्ले भी फ्रेंड ठीक है, पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि इसके डिस्प्ले ठीक होगी, बट डिस्प्ले भी इसका ठीक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, टूटा हुआ कांच, जैसा कि आपको ऊपर पर जो इसकी जो टच स्क्रीन होती है वो टूटा हुआ है, मगर इसकी डिस्प्ले फ्रेंड ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डिस्प्ले इसकी ठीक है, फ़ोन कम्प्लीट अभी ऑन होने का हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मगर फ्रेंड इसके अंदर फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग अभी भी है, तो इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी जो हाफ शॉर्टिंग है उसको भी किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलो फिलहाल पूरा ऑन होने का हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे मोबाइल को, और देखते हैं इसका जो टच वगैरह वो सारी चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो इसकी जो टच है वो भी यहाँ पे जो है वर्क कर रहा है फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो है टच भी वर्क कर रहा है। उम्मीद नहीं थी कि टच भी वर्क करेगा क्योंकि, मगर फिर भी हम मुझे तो ये भी लग रहा था कि इसका डिस्प्ले भी ठीक नहीं होगा, बट फिलहाल डिस्प्ले भी ठीक है फ्रेंड। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर इंडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, कुछ समझ में आया तो कमेंट भी कर देना, ठीक है फ्रेंड। चलो तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।